मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट, जानिए कैसा रहेगा देश का मौसम। मौसम विभाग ने आज से 23 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। साथ ही गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, मथुरा, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संबल, बदायूं, जालौन, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के 21 जुलाई को अलग अलग स्थानों पर व्यापक रूप से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही राज्यों में 22 से 23 जुलाई तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी भी की है। इसके अलावा मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में शुक्रवार तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु के 12 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम कार्यालय ने राज्य के 12 जिलों नीलगिरी, कृष्णगिरी, इरोड, धमपुरी, सेलम, करूर, नमक्कल, तिरुपुर, कोयम्बतूर, तिरुपुर, थेनी और डिंडीगुल में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के 12 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम कार्यालय ने राज्य के 12 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। बिहार के इन जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सारण, गोपालगंज, सिवान, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना, जहानाबाद, नया, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, बांका और भागलपुर। IMD के अनुसार पिछले कुछ दिनों से मौसम प्रणाली का प्रभाव मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और साथ ही उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर अधिक रहा है, परंतु अब मॉनसून ट्रफ रेखा उत्तरी होने की संभावना है, जिस कारण संपूर्ण मैदानी राज्यों में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड आदि राज्यों में हल्की से मध्यम और झमाझम बारिश होने की संभावना है। वर्तमान में मॉनसून की ट्रफ रेखा अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण में बनी हुई है, जिसका उत्तर पश्चिम छोर उत्तरी पाकिस्तान पर है और इसका पूर्वी छोर दक्षिणी ओडिशा पर है और इसके बाद खाड़ी तक पहुंच गया है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं। मॉनसून की ट्रफ रेखा हाल ही में थोड़ी उत्तर की ओर बढ़ चुकी है और कल से अधिक उत्तरी भारत में स्थानांतरित होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाओं का रुख मैदानी राज्यों पर हो जाएगा और संपूर्ण मैदानी राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और झारखंड पर मॉनसून मेहरबान होने की संभावना बन रही है। इस दौरान संपूर्ण इलाके में बादल ने अपना डेरा जमा लिया है और 20 से 24 जुलाई के दौरान गरज चमक और तेज गति की हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तो कहीं तीव्र बारिश होने की संभावना बन रही है। कुछ स्थानों पर बिजली भी गिर सकती है, आम जन सजग रहे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हरियाणा व NCR दिल्ली के अधिकतर स्थानों पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर दिन ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें।